हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आटे का यूज करके आप अपने अनवांटेड हेयर को रिमूव कर सकते हैं या फिर फेशियल हेयर को रिमूव कर सकते हैं। वैसे अनचाहे बालों को रिमूव करने के लिए बहुत सारे मेथड है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत खर्चे करने होंगे, आपको पार्लर के चक्कर लगाने पड़ेंगे, आपको डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। और ये मेथड है, इसको आप घर बैठे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस मेथड को करने के लिए हमें क्या क्या करना है। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले 2 चम्मच गेहूं का आटा, और इसमें मैं ऐड करूंगी लगभग 1 चम्मच कच्चा दूध, और फाइनली मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करके इसे मिक्स कर लूँगी, इसका पेस्ट बना लूँगी। आपको ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं बनाना है, आपको थोड़ा गाढ़ा पेस्ट बनाना है। अब इस पेस्ट को आपको जहाँ भी अनचाहे बाल हटाने हैं, जहाँ से भी अनचाहे बाल हटाने हैं, आप उस जगह को पानी से साफ़ करके इस पैक को अप्लाई करें। सपोज अगर आपको यहाँ से बाल हटाना है तो आपको अपने चेहरे पे, अपने स्किन पे इस तरह से इस पैक का मोटा लेयर लगाना होगा। इस तरह से इसका मोटा लेयर लगा के इसे आपको सेमी ड्राई करना है, मतलब इसे पूरी तरह से ड्राई नहीं करना है, इसे सेमी ड्राई करना है। लगभग आप 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे तो ये सेमी ड्राई हो जाएगा। इस तरह से करके इसे आप 10 मिनट के लिए ड्राई कर ले, सेमी ड्राई कर ले। 10 मिनट बाद जब ये सेमी ड्राई हो जाए तो इसे हल्के हाथों से मालिश करते हुए अपने चेहरे से उतार लेना है। एक बात मैं और आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप इसका यूज करते हैं तो आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ये ऐसा मेथड है जिससे आप एक बार यूज करेंगे तो आपके अनचाहे बाल ख़त्म नहीं होंगे। तो आपको इसको कम से कम 1 महीने तक यूज करना पड़ेगा, जिससे कि आपके अनचाहे बाल धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे। आपको इस तरीके से बाल के अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से स्क्रब करते हुए, मसाज करते हुए ये हटा लेना है, इसे उतार लेना है अपने चेहरे से। थोड़ा आपको टाइम लगेगा, लगभग आपको 5 से 10 मिनट लग जाएगा इसे उतारने में। आपको एक बात याद रखना है कि इसे धोना नहीं है, आपको इस तरीके से स्क्रब करके ही हटाना है, क्योंकि जो आटा है वो हमारे स्किन से और बाल से चिपक जाता है, जो कि बाल को तोड़ने में, बाल को हटाने में हेल्प करता है। इस तरीके से आपको हटाना है, लगभग 5 से 10 मिनट तक आपको ऐसे ही करके हटाना है। ये इस तरह से गुलठी बनके हटने लगेगा। जब ये पूरी तरह से हट जाएगा तो आपको अपने अपने हाथों को, अपने स्किन को ठंडे पानी से धो लेना है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाइए, ताकि आप मेरे फ्यूचर वीडियो से भी अपडेट रहे। थैंक यू, बाय बाय।